चुका साहब का हमारे साथ। मीम अफजल साहब कांग्रेस से और दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है सुधांशु मित्तल जी से जो बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, भोपाल से अगर आडवाणी जी लड़ना चाह रहे हैं तो वहां से लड़ने क्यों नहीं दिया जा रहा? जहां तक आडवाणी जी का सवाल है, वो जिस लोकसभा से लड़ना चाहेंगे उनको वहीं से लड़ने को मिलेगा। नहीं तो फिर यहाँ पर गडकरी जी, सुषमा जी वहां उनके घर पहुंच रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? वो खुद मीटिंग में नहीं गए? किशोर जी, जिस मीटिंग में उन्हीं की टिकट की चर्चा हो रही है, आडवाणी जी का एक इतिहास रहा है, वो कभी उस मीटिंग में खुद नहीं बैठे। 2009 में नहीं बैठे थे? दूसरी बात यह है जी, बिल्कुल नहीं बैठे थे। जहां पे उनके खुद की टिकट के घोषणा की बात आती है उसमें वो कभी नहीं बैठे। एक आगे मैं और बतला दूं आप, आडवाणी जी का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है, बड़ा सम्मानीय कद है। वो किस टिकट से लड़े, किस सीट से लड़ेंगे ये उनकी इच्छा है, उसमें पार्टी में कौन कहने वाला है? हमने तो निवेदन कर रहा है ना, क्योंकि अभी तक तो क्या आ रहा था मीडिया में कि वो वहां से लड़ना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। फिर यह हुआ कि वो वहां विश्वासघात देख रहे हैं इसलिए भोपाल पहुंच गए। अलग अलग बातें अभी भी मैं सुन रहा था, मोहन भागवत जी के पास नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उनका इंटरवेंशन होगा। नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी की मीटिंग जो है बहुत दिनों से तय है और वहां पे जनरल चर्चा के लिए, ये बहुत पहले की बात है। ये आज यही सब बातें सुन रहे थे हम सुधांशु जी, गोवा में भी जो हुआ था ना तब भी आप यही कह रहे थे, अरे कुछ नहीं है, सब मीडिया में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। हमारे यहाँ देखा गोवा, गोवा में क्या हुआ किशोर जी? देखिए किशोर जी, गोवा में जो हुआ वो आपने देखा, उसके बाद कैसे स्मूथली जो है नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए। उसके बाद से लगातार जो है हमारा जो है मिशन जो है 272 चलता आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बारे में कहीं कोई उंगली नहीं उठ रही, स्वीकारिए नेतृत्व। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में, बड़े वरिष्ठ विश्लेषक हैं, बीजेपी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं 1980 से लेकर। राहुल देव जी भी हमारे साथ हैं। राहुल देव जी, सुधांशु जी जो कह रहे हैं इसमें कुछ अचंभा नहीं हो रहा आपको, या अभी इनके ये और कहें तो और क्या कहें? क्या नहीं, उनकी बात पर अचंभा क्यों होने चाहिए? वो पार्टी प्रवक्ता है, प्रवक्ता अगर बचाव नहीं करेगा और कहेगा कि कोई संकट, तो आप मानते हैं बचाव है? और बचाव है ये, बचाव गोवा में जो हुआ उसके बाद ये बचाव कर पाएंगे इस तरीके से? नहीं, सुधांशु जी का बचाव एक जगह है, लेकिन जो हम और आप और देश की जनता दृश्य देख रही है कि अचानक इतने ये दोनों बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, अडवाणी जी से मिलने जा रहे हैं, अचानक क्या हो गया भाई कि दोनों लोग वहां चले गए? पहले से तय नहीं था, कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था, तो जाहिर है कि संकट है। अडवाणी जी ने एक फिर कुछ ऐसा कर दिया है, और क्या कर दिया है वो भी अब थोड़ा बहुत जानते हैं कि पूरी पार्टी अचानक एक झटके में आ गई है। और इस समय एक अडवाणी जी से जैसे कद के व्यक्ति का इस तरह की उस पर अटकना, एक उसमें फच्चा लगाना, ये एक विजय रथ को रोकने वाला तो होगा ही, इससे कई तरह की आशंकाएं बढ़ेंगी। लेकिन एक मोटी बात यह है कि अब तक पार्टी नहीं, आपने जो बात कही, मेरा आपसे सवाल ये, ये मानते हुए कि जो आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, आडवाणी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था या मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब हो सकता है दोनों को ही वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि मोदी को आडवाणी जी के कद का, उनकी संवेदनाओं का और उनकी इच्छाओं का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, उनके मन में क्या है इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। और अगर वो रखते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप ये कह सकते हैं कि आडवाणी जी ने एक ऐसे समय अड़चन लगाई है जब शायद ये ज़्यादा गंभीर चोट हो सकती है। अफजल साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, ये मानते हुए कि जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो हम मान रहे हैं जो हो रहा है, आडवाणी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था या मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा 6 महीने पीछे, 7-8 महीने पीछे ले चलता हूँ। जून के अंदर जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे आडवाणी जी, मोदी जी, उस वक्त भी आडवाणी जी ने इसी तरह का रुख इख्तियार किया था और बड़े जबरदस्त। 6 महीने पहले हम गए थे, उसी वजह से तो बात हो रही है, कोई झगड़ा नहीं। वो जो 6 महीने पहले हुआ उसी वजह से तो बात हो रही है अफजल साहब। तो ये अभी 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 तो आपने ये दूसरा उसका जो ड्रामे का दूसरा पार्ट देखा है, अभी तीसरा पार्ट देखना बाकी है। तीसरे पार्ट में क्या होगा आपकी नजर से? बता दूं कि आजकल आडवाणी जी के बारे में कहा रहा बड़ी, वो तो खैर मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि इनके यहाँ जो घमासान चल रहा है कि
मोदी की लहर बाहर कहीं चल रही है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो पहले मेरी बात सुन लें, इनके यहाँ मोदी जी की लहर अंदर तो कम से कम नहीं चल रही, और सारे जो सीनियर नेता हैं वो इनके बड़े बुरी तरह से नाराज हैं, और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मोदी जी से देश को जो खतरा है वो तो है ही, सबसे बड़ा खतरा खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को है। देखिए किशोर, क्या है कि जब भी इस तरह से लीडरशिप बदलती है तब इस तरह की बातें जरूर दिखाई देती हैं, और ये कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, इनके यहां भी हमने देखा जिस तरीके से इनके एक प्रमुख प्रधान थे, इनके अध्यक्ष थे, किस तरह से सीताराम केसरी को इन्होंने हटाया। कुल मिलाकर जब इस तरह की जब बातें होती, जब लोगों को लगता है कि कुछ सत्ता आने वाली है, तो नेता बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि वो पार्टी और दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं करते। वही एक जनरेशनल चेंज हम यहाँ देख रहे हैं। एक बीजेपी पुरानी थी, एक नई बीजेपी आने वाली है, और उसमें सबसे पहले पुराने उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक ये जो खींचतान मची हुई है, ये वो खींचतान है जो सामने दिखाई दे रही है, और ये चाल चरित्र चेहरा जो अलग बताती थी पार्टी, उसमें भी दिखाई दे रही है। जी सुधांशु जी, किशोर जी, एक कहावत है, काजी जी शहर का अंदेशा, होता कुछ है नहीं, पहले से हम लोग उल्ट मतलब कल्पनाएं करके चले। मैं एक आपको बताना चाहता हूं, देखिए नेतृत्व के लिए तीन चीजें चाहिए, आपकी चारित्रिक विश्वसनीयता चाहिए, आपकी प्रशासनिक, नहीं नहीं उससे किसको इनकार है, और आपके वैचारिक, उससे किसको इनकार है, दीपांग जी जो कह रहे हैं कि जब सत्ता आने की जो आहट होती है तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां जो शुरू हो जाती हैं, ये मानते हैं इसको, सत्ता आने की आहट तो मान रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं मान रहे। मैंने यही कहा ना कि काजी जी शहर का अंदेशा, हम लोग हर चीज को एक बड़े कैनवस पे जो है एक्सपैंड करके देखना चाहते हैं, जो कि सत्य नहीं है। नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी में मनमुटाव होगा तो बहुत बड़े कैनवस पे होगा साहब। अरे होने तो दीजिए ना, हम लोग क्यों इसकी कल्पना करें, होने तो दीजिए, ये तो इतने दिन से सुनता आ रहा हूं मैं, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, आप सुनने की बात कर रहे हैं, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं। सुधांशु जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं इसी पर। सवाल ये कि आडवाणी मानेंगे, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी भोपाल से लड़ना चाहते हैं बताया जा रहा है, और उधर उनको टिकट दिया जा रहा है गांधीनगर से ही, जहां उनको भीतरघात का खतरा है। दिल्ली में संघ दफ्तर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, उनका कहना है कि ये संघ प्रमुख भागवत से उनकी मुलाकात पहले से तय थी, इस मुलाकात का लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ दिलीप पांडे जी भी हैं आम आदमी पार्टी से, और मीम अफजल साहब भी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ जेडीयू से श्रीवास्तव साहब भी हैं, पुराने साथी रहे हैं, और जब आडवाणी जी उम्मीदवार थे तब साथी बने रहे थे। सुधांशु जी कह रहे हैं बड़ी इज्जत से पेश आया जा रहा है उनके साथ, आप मानते हैं? अब सुधांशु जी को ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरे देश को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला नेता आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो भोपाल से अगर लड़ना इसलिए चाहते हैं कि कहीं वहाँ हमको हरा न दिया जाए, इस तरह का भी अगर शक आडवाणी जी जैसे नेता में अगर हो गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। जी सुधांशु, आप गलगुदई और कुतर्क करते रहिए, आखिर ये बात क्यों आई? भोपाल में बैनर लग गया, पोस्टर लग गए, होर्डिंग्स लग गई उनकी, और कहा जा रहा है कि भोपाल तो शुरू से ही उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई। अब पहले भारतीय जनता पार्टी का जो भी होर्डिंग्स या पोस्टर लगते थे उसमें अटल जी का, आडवाणी जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगता था और भारतीय जनता पार्टी को प्रमुखता दिखाया जाता था। नहीं नहीं, ये दूसरा सवाल हो गया। केवल मोदी को दिखाया जा रहा है, व्यक्तिवादी पार्टी हो रही है, इसलिए आडवाणी जी जैसे लोगों को किनारे कर देना, सुषमा जी जैसे लोगों को खत्म कर देना, ये तो पार्टी देख रही है, जनता देख रही है। किशोर जी, वो एक शेर है, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे है, ये बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। अरे जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने समता पार्टी और जनता दल यू बनाया, उनके साथ इन्होंने क्या करा, उसके बाद ये हमें आप हमारे मित्र हैं, आप मुझे बता दीजिए, जार साहब को हमने तब टिकट नहीं दिया था जब वो चलने फिरने लायक नहीं थे लोकसभा में, और जब राज्यसभा में उनका हमने इज्जत बख्शा तो शपथ नहीं ले पा रहे थे, इसलिए आप इसकी तुलना मत करिए।
मैं कह दूं कुछ, आपको भी सत्य पता है, मुझे भी सत्य पता है, कम से कम मुझे तो बहुत सत्य पता है, लेकिन मैं वो चीजें पब्लिक डोमेन में बात नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए। बात क्या हो रही है, एक तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में मुझे लगता है राजनीतिक सभ्यता में नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं अपने अपने घर संभालिए, आपको अपनी चिंता करिए ना, क्योंकि अगर आप खाली हो गए हमारी चिंता करें तो बात अलग है, नहीं तो चुनाव में अपनी चिंता करिए, हमें हमारी चिंता करनी। नहीं, चिंता ये नहीं है कि आपके घर में क्या हो रहा है। देखिए सुधांशु जी इसको इस तरफ मत मोड़िए कि आपके घर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता जनता को क्यों हो रही है। ये चिंता इसलिए है कि जनता बिल्कुल हो नहीं, और मैं बता दूं क्यों हो चिंता। राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं बोलना चाहिए, आप बोले, आप पूछे, बिल्कुल आपको पूछना है। राजनीतिक व्यक्ति मौका नहीं छोड़ते, आप भी मौका नहीं छोड़ते। आपने खुद जॉर्ज फर्नांडिस का नाम ले लिया। मैं ये कह रहा हूं कि चिंता इस बात की है कि आपके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से रवैया रखते हैं बाकी नेताओं पर अपनी पार्टी में, तो देश में क्या होगा अगर सरकार आ गई तो। किशोर जी एक बयान मोदी जी का आप मुझे दे दीजिए जिसमें उन्होंने कोई लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में टिप्पणी करी हो या मुरली मनोहर, और आपकी जानकारी के लिए बतला देता हूं, इलेक्शन कमेटी के अंदर भी मोदी जी जो है वो सुनते रहते हैं, वो अपनी राय इसलिए व्यक्त नहीं कर रहे, उनका कहना है जो संगठन तय करे वो सर्वोपरि है। इसलिए मोदी जी पे ये सारी चीजें लाना, ये मुझे लगता है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं जानकारी के अभाव में। मैं नहीं कहता आप में हो सकता है कि कुल हो, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के तौर पर बतला दूं कि इलेक्शन कमेटी के अंदर मोदी जी की जो भूमिका है वो इतनी सार्थक भूमिका है कि उन्होंने संगठन पे सारा दे रखा है, क्योंकि उनका विश्वास है कि जो टीम बीजेपी है वो राजनाथ जी हो, सुषमा जी हो, अरुण जेटली जी हो, नितिन अरे सुधांशु जी ये बातें जो ये सब कुछ है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मोदी की टीम है केवल बीजेपी की टीम नहीं है, मोदी की टीम है। गडकरी जी और सुषमा जी वहाँ क्यों गए हुए हैं उनके घर में? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष टीम मोदी हो गए जो कि मोदी जी के बनने से पहले आ गए थे तो ये तो अतिशोक्ति है। देखिए ये अन्याय तो ना करिए हम पे, राजनाथ जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं दिल्ली में जितनी भी हो। एक मिनट में रोक रहा हूँ बड़ी खबर आ रही है, किरण चौधरी जी पे हमला हुआ है, जगविंद उनके काफिले पर पथराव हुआ है, हरियाणा की मंत्री किरण चौधरी पर हमला हुआ है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। जगविंदर क्या क्या कहां हुआ है, ये क्या खबर है? देखिए किशोर, श्रुति चौधरी की मां है किरण चौधरी, और श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उनके प्रचार के लिए आज जब वो कोरियावास गांव है महेंद्रगढ़ का, वहां पहुंची, एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उसी गांव में उन पर पथराव किया गया। पथराव के कारण उनकी छाती में पत्थर लगे हैं, और पत्थर लगने के बाद उनको नारनौल के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उनकी कंडीशन को देखते हुए उन्हें गुड़गांव रेफर किया जा रहा है, और कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है कि विरोधी पार्टियों ने उन पर यह हमला करवाया है, और गांव में जनसभा के दौरान जिस तरह से पत्थर चलाए गए वो एक सुनियोजित हमला था। हालांकि किरण चौधरी की जो हालत है वो ये बताया जा रहा है कि काफी गंभीर है, और उनको अंदरूनी चोटें आई हैं जिस वजह से उन्हें तुरंत गुड़गांव रेफर किया जा रहा है नारनौल से। जी जगविंदर, तो ये जैसे जगविंदर ने बताया, नारनौल से गुड़गांव शिफ्ट किया जा रहा है किरण चौधरी को। किरण चौधरी के काफिले पर हमला हुआ, हरियाणा की मंत्री किरण चौधरी। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। जो कद है वो बहुत बड़ा कद है, बड़ा सम्मानीय कद है। वो किस टिकट से लड़े, किस सीट से लड़ेंगे ये उनकी इच्छा है, उसमें पार्टी में कौन कहने वाला है? हमने तो निवेदन कर रहा है ना। सुधांशु जी का बचाव एक जगह है, लेकिन जो हमारा आप और देश की जनता दृश्य देख रही है कि अचानक इतने ये दोनों बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, अडवाणी जी से मिलने जा रहे हैं, अचानक क्या हो गया भाई कि दोनों लोग वहां चले गए? पहले से तय नहीं था, कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था। जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे अडवाणी जी मोदी जी, उस वक्त भी अडवाणी जी ने इसी तरह का रुख इख्तियार किया था। एबीपी न्यूज के नेशनल न्यूज रूम से किशोर आजवाणी पेश कर रहे हैं एबीपी लाइव। और वो बैठक अब भी जारी है। नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज अब भी मौजूद हैं आडवाणी जी के घर पर, और उधर मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी की बैठक भी जारी है। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, संघ के मामलों पर अपनी राय रखते हैं। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे जी से हमारी बहुत देर से बात नहीं हुई है। दिलीप पांडे जी, बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये बीजेपी का जो आडवाणी और मोदी वाला मामला है, इस पर आपकी पार्टी कभी कुछ नहीं बोलती, क्यों? शुक्रिया
बोलने का मौका दिया आपने, अब बोलिए जरूर, मैं बोलता हूँ, मैं रखता हूँ अपनी बात, शुक्रिया। देखिए टिकट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोकसभा चुनावों को लड़ने की जिम्मेदारी जब चेयरों को दी जाती है, तो उस समय कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, सामान्य हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर के स्थापित चेहरे असामान्य प्रतिक्रिया दिखाते हैं तब ये बात थोड़ा सा सामान्य नहीं लगती है। मोदी जी अपनी पार्टी का निसंदेह स्थापित चेहरा है, लेकिन जिस पार्टी का स्थापित चेहरा है उस पार्टी को स्थापित करने में आडवाणी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वैसे ही स्थापित चेहरों में से जोशी जी भी एक हैं, सुषमा स्वराज जी भी एक हैं, और पिछले हफ्तों की अगर छोटी सी अगर आप थोड़ी सी विश्लेषण करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारे चेहरे जो है घसीट के हाशिए पे कर दिए गए हैं। और उसका सिर्फ एक कारण है कि एक चेहरा इनकी पार्टी के अंदर है मोदी जी का, जो धीरे धीरे पार्टी से बड़ा हो रहा है और देश से भी बड़ा हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, देश की जनता के लिए, कि ऐसी पार्टी से उनके सामने एक ऐसा नेतृत्व आ रहा है जो अपने आप को सभी चीज़ों से ऊपर समझता है, सिर्फ इंसानों से नहीं अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझता है। ऐसे चेहरों को आजकल एक पार्टी प्रमोट कर रही है और उसे देश का प्रधानमंत्री पद देने की ख्वाहिश रखती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी रोमन में मेरे पास लिखा हुआ किसी एक साथी का मैसेज आया, रोमन में लिखा हुआ था, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एनालिसिस हुआ, लिखा हुआ था मोदी जी मस्त और आडवाणी जी पस्त, और पस्त को PAST लिखा हुआ था। मैंने सोचा ये बड़ी अच्छी अवधारणा है कि जो इनके यहाँ पास्ट हो गया है वो अब पस्त हो चुका है, अब हौसले उन्हीं के बुलंद हैं जो नए चेहरे हैं, जो चेहरे अब गुंबदों पे छाए हुए हैं, जो चेहरे पार्टी के अनुशासन उसकी विचारधारा से आगे निकल चुके हैं। जी, जी, जब ये पार्टी जब इस तरह की चर्चा आम आदमी पार्टी में होती है, किसी और पार्टी में होती है, तो इनके लिए सामान्य बात होती है। सुधांशु जी, आपके पास जवाब होती है, और जब इनकी पार्टी में होती है तो इसको सामान्य प्रक्रिया। अरविंद मोहन जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए 6 महीने पहले मोदी आए हैं ऊपर और सबको मालूम है कि कमजोरी के बिंदु कौन कौन है। मोदी ने बहुत खूबसूरती से NDA का और BJP का लीडरशिप ले लिया, बड़े मज़े से, जो शुरू में लग रहा था कि उनको दिक्कत होगी, लेकिन पार्टी के इतने बड़े चेहरे को संभाल न पाएँ और यहाँ काम न कर पाएँ, वो जो है स्वामी रामदेव और लालकृष्ण आडवाणी को एक ही तराजू पर तोलने लगे कि टिकट मटने के बाद उनको भी पटा लिया जाएगा, तो ये अनफॉर्चुनेट है ये अपने आप में। और फिर ये मोदी के लीडरशिप पे गंभीर सवाल करता है कि बाकी चीज़ें तो मैनेज करने उनको आता है, लेकिन पार्टी के इतने बड़े लीडर्स को संभालना या पार्टी में अपने नेतृत्व को मनवाने ये ग्रुप क्यों नहीं आया, ये अपने आप में एक बड़ा। और इसलिए ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए? सुधांशु जी, आनंद जी ये बताइए कि इसमें मोदी जी ने किससे क्या कहा? हर चीज का जो दोषारोपण सुषमा जी आडवाणी जी तो बोल ही रहे हैं लगातार, सुषमा जी और आडवाणी जी तो बोल, एक मिनट, उनका ट्वीट और हर चीज तो आ ही रहा है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। बहुत मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने कुछ बोला है क्या? जब आप उन पे दोषारोपण कर रहे हैं मोदी जी पे, तो मोदी जी ने कुछ कहा है क्या? ये मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है ना, ये तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बयान था उनका? नहीं, नहीं, क्या कार्य था उनका जिसमें अदृश्य शक्ति है तो सब कुछ चला रही है? दूसरी बात में एक और को क्यों लिया गया? अभी 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 जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, वैसे तो मुझे मुंह में तो यह आया कि छाछ बोले से बोले छलनी भी बोल रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हमारी तो बहुत विस्थापित पार्टी है, आपके यहाँ तो जुम्मा 4 दिन हुए उसी में लट चल गए। मैं आपके लठों के बारे में नहीं बतलाना चाहता, चाहे शाजिया इल्मी का हो, चाहे कुमार विश्वास का हो, चाहे किसी का, मैं नहीं बतलाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हमारे यहाँ ये बात होती है सुधांशु जी, तो वो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, और आपके यहाँ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और आपके लिए सामान्य है, तो आपके मानदंड दोहरे में आप बोलते तो बीच में बोला ना, तो स्वतंत्र है कुछ भी, जब आप बोले मैं बीच में बोला क्या? लेकिन जब आप जब उन्होंने बोला सही बात पर बोला, इसलिए जवाब तो चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा था, सिर्फ मैं बात कर लूं जरा सा, एक सेकंड। मेरा फिर कहना है पार्टी के अंदर जो आप लोग भयंकर कल्पनाएं करके चल रहे हैं, ये शायद आपकी कल्पनाएं जो है साकार नहीं होने वाली, उसका कारण ये है कि स्थिति ही नहीं है ऐसी। आप देखिए अभी तक डूम्स डे की जो जितनी कल्पनाएं करी गई थी, वाराणसी को लेके, लखनऊ को लेके, कानपुर को लेके, बड़ौदा को लेके, एक भी गलत नहीं निकली, एक भी गलत नहीं निकली। कलराज मिश्र जी ने क्या कहा कानपुर को लेकर, लालजी टंडन जी ने क्या कहा लखनऊ को लेकर, एक भी गलत नहीं निकली। सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं आप? सर सुनिए ना, सर सुनिए,
कानपुर से कन्हाजी इच्छुक थे वो चले गए, वाराणसी से कानपुर आ गए जोशी जी, लालजी टंडन जो है उन्होंने स्वागत करा राजनाथ जी का। सारी चीजें जो है अपनी प्रक्रिया में चलती है, अपने संवाद से चलती है। संवाद से पहले जब हम चीजें एंटिसिपेट करके कहां स्वागत किया उनका बतंगड़ बनाते हैं तो उस समय तो लगता है मित्तल साहब कहां स्वागत किया। जो जो प्रक्रिया में पार्टी के लोगों को आप मजबूर कर दें हैं कि आप हमारी बात मानिए जो हम तानाशाही दिखा रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लालजी टंडन इतने सीनियर मोस्ट लीडर है, लखनऊ के नेता है, उनको आप उन्होंने साफ कहा कि मैं मोदी जी के लिए तो छोड़ सकता हूँ, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, बाकी किसी के लिए नहीं। जब से हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ कहा क्या? क्या कहेंगे आप? से राजनाथ जी का नाम आया उसके बाद हुआ सबने देखे सुने हमारा ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उलट लेके घूमेंगे, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी वो हमें सर्वमान्य होगा, ये हर एक व्यक्ति ने कहा। हम लोगों के यहाँ अपनी अपनी मत रखी जाती है, लेकिन ये होता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का जो भी फैसला है वो हमें मान्य है। मान तो करना ही पड़ेगा या तो पार्टी छोड़िए या तो मानिए। आपको हर आदमी इस उम्र में पार्टी तो नहीं छोड़ देगा, अगर पार्टी छोड़ देगा तभी आप समझेंगे, पार्टी छोड़ दे तभी आप समझेंगे कि मतलब कि आपने गलत किया है। अगर प्रजातांत्रिक चले तो हमारी गुनाह, अगर प्रजातांत्रिक ना चले तो हमारा गुनाह। जगदीश उपाध्याय साहब भी मेरी अंटा मेरे बाप। जगदीश उपाध्याय साहब बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। उपाध्याय जी एक मिनट, उपाध्याय जी बड़ा प्रजातांत्रिक हो रहा मामला। देखिए मेरा मानना है कि आडवाणी जी को भी अपनी बात कहने का हक है और पार्टी के नेताओं को उनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी। और दूसरा इसका दूसरा पहलू भी है। नहीं जो सुधांशु जी कह रहे हैं देखिए कुछ गड़बड़ी तो सुधांशु जी पार्टी का बात तो वही बता सकेंगे कि वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आडवाणी जी की बात पार्टी को जिस कद के वो नेता हैं बीजेपी में उनकी बात सुनी जाती होंगी और सुनी जानी चाहिए अगर नहीं सुनी जाती। दूसरी बात ये है कि अगर बीजेपी का कोई फोरम यानी चुनाव समिति या पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिसाइड करता है तो मुझे नहीं लगता कि आडवाणी जिस स्थिति के और जिस कद के नेता हैं वो उनके फैसले को ठुकरा दे। तो ये थोड़ी जो बात शुरू में दिबांग ने कही थी कि जो पीढ़ीगत परिवर्तन होता है तो थोड़ी सी रंबलिंग होती ही है, तो मुझे लगता है ये अभी वही है और ये सॉर्ट आउट इनको कर लेनी चाहिए, हो जानी चाहिए। क्या संघ का दबाव है राकेश जी? देखिए एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं काम कर रही, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या चुनाव समिति हो, वो जीवंत रूप में काम कर रही हैं। और मतभेद होना, दृष्टिकोणों का अंतर होना, सीटों पर थोड़ा मतभेद होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। जो समाजवादी मित्र इसको काल्पनिक गृह युद्ध की संज्ञा दे रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, उनको याद होगा कि बैतूल के अधिवेशन में सोशलिस्ट पार्टी के अधिवेशन में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया के बारे में क्या कहा था? वो गृह युद्ध कह रहे हैं, काल्पनिक आप बता रहे हैं राकेश जी। नहीं देखिए, अरे चिट्ठी लिखी थी खुद आडवाणी जी ने, क्या क्या लिखा था उसमें? वो चिट्ठी को आप नकार देंगे क्या? वो तो रिकॉर्ड पर है। मैं कहां कह रहा हूं कि दृष्टिकोणों का अंतर नहीं है, दृष्टिकोणों का अंतर है। पार्टी में उन्होंने कोई सीमाएं देखी, कोई न्यूनताएं देखी, उन्होंने कहा वो सार्वजनिक बहस हुई, लेकिन आज पार्टी एक बनकर खड़ी है यह महत्वपूर्ण है। और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एक बनकर खड़ी है। आप क्या चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि हिटलर और मुसोलिनी का जो आदेश हो वो पालन हो जाए, जो 10 जनपद का आदेश हो वो पालन हो जाए, जो अरविंद केजरीवाल कहते वो एकदम लकीर की फकीर बन जाए। एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो आप क्या कह रहे हैं कि वो पालन नहीं होगा, उसका पालन नहीं होगा तो उसके दूसरा सवाल बनेगा। आप कह रहे हैं अगर पालन होगा तब अलग सवाल बनेगा। अरविंद केजरीवाल पर भी आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राकेश जी। उधर एक बैठक खत्म हो गई है, जो बैठक हो रही थी नितिन गडकरी जी और सुषमा स्वराज जी की लालकृष्ण आडवाणी के घर पर, और उस बैठक में क्या निकला है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक घंटे तक ये बैठक चली है, हमारा तो सवाल यही है कि बैठक होने करने की जरूरत क्या पड़ी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी खत्म हो गई है। सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी आडवाणी से मिल चुके हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात भी खत्म हो चुकी है। ये अब इंतजार है कि पार्टी ने तो कह दिया है, लालकृष्ण आडवाणी से कह क्या दिया है, घोषणा कर दी है कि वो गांधीनगर से उम्मीदवार होंगे। अब क्या और कुछ हो सकता है? क्या लालकृष्ण आडवाणी मना भी कर सकते हैं? राहुल देव जी नहीं मना नहीं करेंगे, लेकिन आडवाणी जी का एक आदत हमने देखी है पिछले कुछ वर्षों में कि वो अपनी उपेक्षा एक समय से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते और अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं।
तो ये शायद पार्टी से और मोदी से भी ये गलती हुई है कि इस बीच वो कुछ उनको ठंडा पड़ जाने दिया और उनकी चर्चा कुछ कम हुई। उसके पीछे दूसरी बात उनकी अपनी गलती हुई है या नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के की है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जानबूझ के की होगी, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो गुदबांग ने कहा था वो हो ही रहा है। एक पीढ़ियों का बहुत बुनियादी परिवर्तन बीजेपी में हो चुका है, बीजेपी पहले जैसी कभी नहीं होगी। तो इसने एक चीज़ अभी और बताई है कि मोदी अगर जीत कर प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो भी उनके लिए आंतरिक चुनौतियाँ कम नहीं होंगी और बढ़ी रहेंगी। तो ये मानना कि वो एक हिटलर जैसे पार्टी के भीतर भी बन जाएंगे, ये नहीं, ये बुनियादी लोकतंत्र बना रहेगा। अफजल साहब, चूक हुई है नरेंद्र मोदी से या ये ही उनका तरीका है काम करने का, आपका आकलन क्या है? बिल्कुल तरीका है उनके काम करने का यही, वो डिक्टेटोरियल अंदाज में पहले से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और जहां तक मैंने असेस किया है, उनके मिजाज का एक खासा है कि वो अपने अलावा किसी को अपने आसपास क्या घुटने के बराबर भी देखना नहीं चाहते। आप सहमत है दिवंग? कुछ लोगों की पर्सनालिटी इस तरह की होती है, उनकी पर्सनालिटी अलग। कांग्रेस कम से कम उसको इस तरीके से बुना सकती है या विपक्षी को, कोई कांग्रेस बना सकती है। और देखिए, अगर आप देखें जिस तरह की वहाँ लड़ाई चल रही है, उसमें अडवाणी भी सहयोगी और होने वाले सहयोगियों को एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई ये इस तरह के हैं, मैंने कहा सीट बदल दो तो उसमें। पर एक मैं बात कह रहा हूँ, 87 साल के हो गए अडवाणी जी, 92 हो जाएंगे खत्म होते होते। अडवाणी जी के बड़े प्रमुख चेले रहे नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरें देखिए रथ यात्रा की, उसकी बात की, उसमें आपने कैसा एक तो चेला दिया, दूसरा आपको अपनी उम्र का एहसास होना चाहिए, आपको नए लोगों को गाइड करना चाहिए, उस भूमिका में आना चाहिए। और जहां तक जो चेले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अब इन्होंने बहुत किया, दोस्त पार्टी को कहां पहुंचा दिया, उनके लिए कुछ तो वो रखें। या फिर बात वही है कि जब सत्ता की बात होती है तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिवंग जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, अफसोस वक्त खत्म होता है यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। सुधांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। एक कहते हैं प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस, तो ये जो है हॉरिबल इमेजिनेशन चल रही है प्रेजेंट में, ये सार्थक नहीं है। नहीं, यहाँ हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी को छोटा कहा जा रहा है इस काम में, तो जैसा दिवंग जी ने कहा, कम से कम आडवाणी जी थोड़े बड़े हो जाते। आगे बढ़ रहे हम, आगे एबीपी न्यूज़ पर केजरीवाल।